तो स्वागत है आपका प्रीति मानसी चैनल में। तो आज मैं आपको एक गुड न्यूज़ देने वाली हूँ। एक्चुअली मेरे लिए तो ये गुड न्यूज़ है, पता नहीं आपके लिए कौन सा न्यूज़ है। मेरी जो हनी बनी है, छोटे छोटे जो बनीज है उनके छोटे छोटे बेबीज हुए हैं। हुए थे 4 बेबीज, अभी बचे हैं 3 बेबीज, मतलब एक डेट हुआ था उसी टाइम पर, तो अभी 3 है और आज 10 दिन हो गया है। तो आज मैं आपको ये गुड न्यूज़ दे रही हूँ, इसलिए तो मैं अभी आपको उनसे मिलवाने वाली हूँ। और वो इतने प्यारे हैं ना, पहले तो जन्म हुआ था तो ऐसा लग रहे थे ना जैसे चूहे के बच्चे नहीं होते छोटे, इतने छोटे छोटे, वो इतने छोटे नहीं थे, बड़े थे इससे, पर लग रहे थे बिल्कुल इसी टाइप के, लेकिन बड़े साइज वाले। अभी इतने प्यारे हो गए, लगते हैं ना कि कोई कैंडल है, वैक्स का कैंडल है रैबिट शेप का। तो अभी मैं आपको उनसे मिलवाने वाली हूँ और उनकी जर्नी दिखाने वाली हूँ, 10 दिन की जर्नी, 10 दिन हमने कैसे कैसे क्या क्या किया। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अभी मैं आपको 3 में से सिर्फ एक दिखा रही हूँ, यहाँ पे तीनों को मैं यहाँ पे नहीं लाऊंगी बाहर क्योंकि तीनों आराम कर रहे हैं। देखिए थोड़ा थोड़ा सा आँख खुला है ना और खुल जाएंगे ना तो इन लोगों की आईज ना पिंक पिंक होती है, बड़े प्यारे लगते हैं। ये देखिए कितना प्यारा है ये। तो ये है पहला दिन। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, ये पिंजरा है हनी बनी का, हनी पनी इसमें नहीं रहे, ये अलग बात है। तो इसमें लाइट वगैरह नहीं था तो इन लोगों को लाइट की जरूरत नहीं पड़ती थी, पर अभी गर्मी की ज़रूरत पड़ेगी बच्चों को, इसलिए मैं इसमें होल्डर लगा रही हूँ। और ये आयुष कैमरा मैन है, जो बदमाशी कर रहा है, कुछ कुछ बोल रहा है तो मैं उसको डांट भी रही हूँ और समझा भी रही हूँ। तो यहाँ पर अभी मैंने इसको फास्ट किया हुआ है क्योंकि बहुत मतलब थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया था, तो उतना ज़्यादा टाइम का नहीं बना सकती थी ना वीडियो। तो यहाँ पर अभी मैं यहाँ पर टेप लगा के वायर को फिक्स कर रही हूँ, उसके बाद अभी दिखाती हूँ मैं आपको। ये मैंने बल्ब लगा दिया, ये काम हो गया। यहाँ पे नीचे गिंदरी बिछाया हुआ है, इसके ऊपर रखेंगे बच्चे को। तो बच्चे जब हुए थे ना एक रात पहले, ये अगले दिन की है, सोमवार की रात में हुए थे, तो इस सोमवार नहीं इसके पिछले सोमवार को लाइट जल गया तो वो हाथ मिला के बोल रहा था आयुष की कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये देखे बच्चे, इसको हमने वो बोरा होता है ना चट्टी जिसको बोलते हैं, पता नहीं आप लोग समझेंगे या नहीं, उसमें लपेट के रखा हुआ था, उसके ऊपर चादर, फिर उसके ऊपर बच्चे, क्योंकि उस समय कुछ इंतजाम नहीं था, पीला वाला बल्ब भी नहीं था हमारे पास। ये बल्ब आ जाया तो मैंने ये लगाया। ये वाइट वाइट जो दिख रहा है ये कॉटन नहीं है, ये महारानी जी ने, हनी जी ने अपने फर नोचे थे। हमें पता नहीं था कि फर वो क्यों नोचती है, हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था इसके बारे में, तो ये भी नहीं पता था कि वो प्रेगनेंट है और बेबीज होने वाले उसको। अचानक से ऐसे मम्मी ने कहा ना कि देखो कितना बाल नोच रही है अपना, तो मैंने गूगल पे सर्च किया, पर उससे पहले ये रियल वाली वॉइस जो उसी समय रिकॉर्ड हुई है, इस आवाज़ को सुन लीजिए आप, आयुष की आवाज़ को। हेलो, ये कैमरामैन ने एक नंबर डिस्क्रिप्शन में नंबर देना, मैसेज कर लीजिएगा हमको। बहुत तुमको शौक है? अरे दोस्त, बहुत तुमको शौक है? दोस्त का बात बोले है यार, तुम okay. क्या बात बोले हो ना, दोस्त का बात बोले। देखिए ये खाना चाहते हैं तो इसको ऐसे लीजिएगा, ऐसे खा लीजिएगा, लेकिन हम नहीं खाएंगे, ये बनी का मुंह में लगा लिया, नहीं खाओगे तो खा लेते हैं ना, अब कोई दोस्ती नहीं करेगी तुमसे। ये हनी फीडिंग करा रही है बच्चों को, दूध पिला रही है। पहले दिन तो पिला ही नहीं रही थी ये बिल्कुल, हम लोग तो डर गए थे कि ये चौथे वाले बच्चे को खोज रही थी जो डेड हुआ था उसको। बार बार जहाँ पे इसने जन्म दिया था ना बच्चों को, वहाँ पे जा रही थी, बार बार ढूंढ रही थी। तो फिर कैसे कैसे करके एक बार पहले दिन ज़बरदस्ती इसको पकड़ के पिलाया गया, उसके बाद भी अभी भी अब नहीं जाती है, 10 दिन हो गए ना, अभी 2-3 दिन पहले तक जाती थी ढूंढने वहीं पर उसी रूम में। देखिए इसको चैन नहीं है इस लड़का को, रात को 11:30 बजे तक रहता है और सुबह 7 बजे से चक्कर काटने लगता है बच्चा सबके पास। तो मेरा बच्चा है तो चक्कर नहीं काटेंगे? तुम्हारा बच्चा है? नहीं, मेरा मेरी बहन का बच्चा है। तुम्हारी बहन का बच्चा है? अभी ये ना थर्ड डे है और मैं लगा रही हूँ वो पिंजरा, ये जो है ना ये खुद से घर पे बनाया गया है तो इस कारण से फिनिशिंग नहीं हो पाई थी, तो मैं इसमें कपड़ा लपेट रही हूँ। कभी इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी क्योंकि इसमें नहीं रहता था वो लोग खानी बनी, तो इसमें आज कपड़ा लपेट रही क्योंकि बार बार मुझे ही हाथ अंदर बाहर करना पड़ता था, तो मेरे पूरे हाथ पे स्क्रैचेस हो गए हैं बहुत ज़्यादा। और अभी बच्चे भी 2 महीने लगभग इसी में रहेंगे तो वो भी अंदर बाहर करेंगे ना, तो उनको भी स्क्रैचेस का सामना ना करना पड़े जो मुझे करना पड़ा है, इसलिए भी ये ज़रूरी है। तो इस कारण से अभी ये आयुष
व्लॉग बना रहा है अपना, उसको बहुत शौक है व्लॉगिंग करने का। तो आज ये तीसरा दिन है और मैं आपको दिखा रही हूँ तीसरे दिन ये बच्चे कैसे थे। मतलब ज़्यादा कुछ अंतर नहीं आया था, अभी आपको पता नहीं, शायद आप लोग को भी अच्छा ना लगे देखने में, क्योंकि मम्मी पापा को भी अजीब लगा था, वो लोग तो टच भी नहीं कर रहे। तो इसी कारण से मैं फिर भी दिखाती रही हूँ तीसरे दिन कैसे थे और अभी कितने प्यारे हो गए। ये हनी का फर है जो वो नोचती है अपने बच्चों के लिए। हाँ, तो मैं आपको इसके बारे में बता रही थी ना कि कैसे अपने फर नोचते हैं। ये अपना पूरा फर नोच लेती है जिससे बच्चों के लिए घोंसला बनाती है, और हमें पता ही नहीं था कि हनी को बच्चा होने वाला है। तो वो नोच रही थी, हमें लगा था जो मिल रैबिट है वो नुकसान पहुंचा रहा है इसको, इस कारण से ऐसा हो रहा है। फिर मैंने गूगल पे सर्च किया तो पता चला जब बच्चे होने वाले होते हैं इसके एक दो दिन पहले से ऐसा करना शुरू करती है। इधर मैं मम्मी को बता रही थी कि इसको बच्चे होने वाले होंगे इसीलिए ऐसा कर रही है, उधर पापा चिल्ला रहे अरे देख बच्चा दे दिया। तो फिर हम लोग गए और मैंने सबको समेटा और इधर उधर किया। ये मैं अभी आपको दिखाती हूँ मोबाइल को, इसे नीचे कहाँ से फर निकालती है, ये उल्टा करके मोबाइल को दिखाना पड़ रहा है। अभी बहुत ज़्यादा अग्रेसिव मोड में रह रही है, कुछ दिन के लिए रहेगी ऐसे ही, इन लोगों में भी हार्मोनल चेंज होते हैं। ये देखिए नीचे दिख रहा है आपको, एक मिनट देखने की कोशिश करिए नीचे, देखिए देखिए दिख जाओ, देखिए किस ये देखिए इतना सारा फर निकाली हुई है। फिर आ जाएंगे फर, घबराने वाली बात नहीं है। और फिर से मैं आपको दिखा रही हूँ 10 दिन बाद ये बेबी कैसे लगते हैं प्यारे से। तो आपको ये व्लॉग कैसा लगा ये कमेंट करके बताइएगा, और आपको और अपडेट चाहिए इन तीनों बच्चों के बारे में, मतलब जब आईज खुलेगी तब, वैसे भी मैं बताऊंगी अगर आप मना भी करेंगे तो भी, जब आईज खुलेगी तब मैं एक और वीडियो बनाऊंगी उस पर। अभी आईज बंद है, इनकी आईज खुलती है 12 से 15 दिन के बीच में, अभी 10 दिन हुए हैं तो अभी थोड़ा थोड़ा बिल्कुल इतने तसा वो ऐसे हुआ है तो अभी जब आंखें खुल जाएंगी तो मैं आपको फिर से मिलवाऊंगी उनसे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।